आज की इस वीडियो में हम फंजाई की क्लास एस्कोमाइसिटीज को पढ़ेंगे। एस्कोमाइसिटीज को हम सैक फंजाई भी बोलते हैं। अब देखो कितना आसान से याद रह जाएगा। अगर आप एस्कोमाइसिटीज के ही तीन शब्दों को देखो तो उसको जंबल करके अगर आप रीअरेंज करो तो सैक ही आएगा, तो इनको हम सैक फंजाई भी बोलते हैं। अब आती है पहली बात, इनकी बॉडी कैसी होती है। मैं कई बार बता चुकी हूँ, बॉडी याद रखना है कि जब भी डिवाइड हो गई इस तरीके से, इनके बीच बीच में सेप्टम आ गए, तो ये गंदी बात है ना घर को डिवाइड करना। इसलिए ट्रिक याद रखनी है बैड। तो बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज के जब भी आप हाइफे देखेंगे तो वो हमेशा सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होंगे। ट्रिक याद रखनी है बैड, घर डिवाइड करना गंदी बात होती है। अब ध्यान से सुनो, ये दो कैटेगरीज में आते हैं। सैक, बोरी में बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो ना, तो इस बोरी में दो टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं। मेनली तो सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, पर एक यूनिसेलुलर भाई साहब इधर है। अब ये यूनिसेलुलर जी कौन है? यीस्ट, जिसको हम सेकेरोमाइसिस सेरिवेसिया भी बोलते हैं। ठीक है भाई, ये बहुत काम का बंदा है क्योंकि इससे बनती है ब्रेड, और जब ब्रेड बनती है तो हम इसे बोलते हैं बेकर्स यीस्ट। ठीक, यही बंदा है, और इसी से बनती है वाइन, बियर, रम, विस्की, तब हम इसे बोलते हैं ब्रूअर्स यीस्ट। यानी कि इस बंदे के दो नाम हैं। ठीक, ये यूनिसेलुलर, और बाकी सारे जो मेनली हैं वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? मल्टीसेलुलर। हैबिटेट तुमको बहुत आसानी से याद है, सबका याद वही करना है, वार्म एंड मॉइस्ट। न्यूट्रिशन सबका वही याद करना है, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक, और सेप्रोफाइट्स को ही हम डिकम्पोजर भी बोलते हैं, ये बात भी हमें पता है। अच्छा, एक बात इसमें याद रखनी है कि ये कॉप्रोफिलस भी होते हैं। अब ये कॉप्रोफिलस क्या होता है? जो गोबर यानी कि डंग पे ग्रो करे ना, उन्हें कॉप्रोफिलस भी बोलते हैं। अब आ जाते हैं रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन इनमें तीनों तरीके से होता है, वेजिटेटिव, सेक्शुअल एंड असेक्शुअल तीनों। वेजिटेटिव को अगर आप ध्यान दो तो अभी तक आप मेनली वेजिटेटिव के नाम पे फ्रेगमेंटेशन देख रहे थे, पर क्योंकि यहाँ पे यीस्ट है तो आपको यहाँ पे तीन टाइप का वेजिटेटिव देखने को मिल सकता है। फ्रेगमेंटेशन, जिसमें बॉडी फ्रेगमेंट की तरह छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटी और वो एक फ्रेगमेंट नया फ्रेगमेंट यानी कि नई बॉडी बना देता है। बाकी जो दो है ना, वो दोनों यीस्ट के लिए हैं। अगर एक यीस्ट दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और दो डॉटर यीस्ट बना देता है तो उसको तो हम बोलेंगे फिजन। पर अगर ऐसा हो कि यीस्ट की बॉडी पे एक छोटी सी बड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो कर जाए एंड बड ग्रो करे एंड डिटैच हो जाए, तो इस कंडीशन में ये पेरेंट बॉडी है और ये नया बच्चा है, तो इसे हम बडिंग बोलते हैं। कई बार यीस्ट में हमें चेन बडिंग देखने को भी मिलता है। चेन बडिंग का मतलब ये है, एक के ऊपर एक ये ग्रो कर जाते हैं, जैसे नानी के ऊपर मम्मी, मम्मी के सिर पर बेटी और बेटी के सिर पर उसकी बेटी, इसे हम बोलते हैं चेन बडिंग। अच्छा, अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमारे दिमाग में, मैंने एग्जांपल जो ट्रिक याद रख करने को कही थी वो बोला था पैड। अगर पैड बोलें तो यानी कि फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, इन तीनों में ही आपको असेक्सुअल स्पोर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से भी फाइकोमाइसिटीज तो बहुत ही शाना था, उसने दो टाइप के स्पोर ले लिए थे। अगर पानी में है तो जू स्पोर, और अगर लैंड पे है तो स्पोरांजियोस्पोर। बेचारे इन दोनों के पास सिर्फ क्या बचा था? कोनिडिया। तो एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज दोनों के अंदर ही आपको क्या मिलेगा? कोनिडिया, जो कि एक्सोजीनस यानी कि बाहर की तरफ बनता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, ये पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन का ये डंडा कहलाता है कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर के जिस स्ट्रक्चर पे कोनिडिया बनते हैं हम बोलते हैं स्टारिगमेटा, और उस पर ऐसे स्पोर लाइक स्ट्रक्चर जो बनते हैं कोनिडिया, और ये बाहर बन रहे हैं इसलिए एक्सोजीनस। अब आते हैं इनके मेन पार्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। बहुत ही सिंपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, देखो इसका भी ऑलमोस्ट एस्कोमाइसिटीज से ही मैच कर रहा है। देखो, ये दो आपके हाइफे हैं, इन्होंने आके एक दूसरे से ज्वाइन किया। जब इन्होंने एक दूसरे से आके ज्वाइन किया तो पहले सिर्फ और सिर्फ जान पहचान होगी, यानी कि प्लाज्मोगेमी, ओनली प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन। दोनों आके जुड़ गए, इनके अंदर भी वही केस है, लड़का और लड़की वेट करते हैं, पहले जानेंगे पहचानेंगे, यानी कि ये बीच का फेज जहाँ पे न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होता और दोनों न्यूक्लियस आपको एज इट इज़ देखने को मिलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइकैरियन, एंड इस फेज को हम बोलते हैं डाइकैरियो फेज। अब ये अगेन वही हिंदी मूवी की तरह यही पिक्चर होगी इनके अंदर भी, जैसे लड़का और लड़की हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़ के कोई और सी दुनिया में पहुंच जाते हैं, वही होना है। इनके नीचे भी कोई और सी ही दुनिया बन जाएगी, जिस दुनिया को हम बोल रहे हैं एस्कस। बहुत आसान है, एस्कोमाइसिटीज का एस्कस। ठीक है, ये बड़ा सा बोरे जैसा स्ट्रक्चर है, इस बोरे जैसे स्ट्रक्चर में दोनों जंप मार के अंदर कूद जाएंगे। अब जब अंदर कूदे हैं, जान लिए पहचान लिए, तो इट्स टाइम फॉर कैरियोगैमी। तो बेटा यहाँ पे भी ये क्वेश्चन याद रखना है कि कैरियोगैमी टेक्स प्लेस इन एस्कस, एंड एज अ रिजल्ट क्या बनता है? जाइकॉट, जो कि क्या होता है? डिप्लॉइड। पर फंजाई तो भाई हैप्लॉइड है, नाउ इट्स टाइम फॉर मियोसिस, तो मियोसिस भी होता है इसके अंदर। अब आप याद रखोगे एस्कोमाइसिटीज एस्कस
ए से अंदर, याद रखना, जो इसके स्पोर्स यानी कि सेक्सुअल स्पोर एस्को स्पोर बनने वाले हैं ना, वो ए से अंदर बनेंगे। बहुत आसान है याद करना। बेसिडियोमाइसिटिस बी से बाहर, तो वहाँ पे जो बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं वो एक्सोजिनस बाहर बनते हैं, और यहाँ पे जो एस्को स्पोर वो अंदर बनते हैं, ए से अंदर बनेंगे। तो यहाँ पे इनका ओरिजिन क्या होगा? एंडोजीनस। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत आसानी से याद हो जाता। आगे जाके ये सारे स्पोर्स जब जर्मिनेट करेंगे तो न्यू फंजाई फॉर्म कर देंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म पे, एस्कोकार्प। देखो तीन चार शब्द इंपॉर्टेंट है, एस्कस और किस तरीके से इन्होंने फ्रूट बनाया एस्कोकार्प, इनका जो स्पोर है वो एस्कोस्पोर। अच्छा, खूब सारे माइसीलियम इनको कवर कर लेते हैं और ये खूब सारे झुंड में एस्कस आ जाते हैं, तो ये फ्रूट की तरह लग रहे हैं, इसलिए इनको हमने बोला एस्कोकार्प। कार्प वर्ड ही हम फ्रूट के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, याद रखना है बेसिडियो कार्प जो थे उनके अंदर जो बेसिडियम थे उनके जो बेसिडियो स्पोर्स थे वो जनरली चार होते हैं, पर एस्को स्पोर्स जनरली आठ होते हैं। देखो याद रखना है, ये जनरली आपको आठ मिल सकते हैं एक एस्कस के अंदर। नाउ इट्स टाइम फॉर एग्जांपल विट्रिक। आइए, अब तुम्हें याद रखना है तुम एक लैब में काम करते हो जो कि सैक लैब है। इस लैब का नाम क्या है? सैक लैब। बेटा जब भी तुम किसी भी बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी लैब में जाओगे ना, तो वहाँ पे ऑल टाइम एसी चलता रहता है। तो एसी चल रहा है यहाँ पर, ये देखो ए और सी से आपके सामने दो एग्जांपल आ रहे हैं। ए से आएगा एस्परगिलस, जिसको आप सिट्रिक एसिड मास प्रोडक्शन में बनाने के लिए यूज़ करते हो। सी से आएगा क्लाविसेप, जिससे हमें मिलता है एलएसडी, जो कि हेल्यूसिनोजेनिक होता है, मतलब जो होता नहीं है वो दिखता है। बाबा लोग यही तो यूज़ करके तुम्हें ना जाने क्या क्या दिखा सकते हैं, समझ रहे हो। अब क्योंकि तुम लैब में काम कर रहे हो तो तुम दो ऑर्गेनिज्म पे काम कर रहे हो, न्यूरोस्पोरा एंड पेनिसिलियम। पेनिसिलियम तो बच्चा बच्चा जानता है कि एंटीबायोटिक बनाने में काम आता है, एंड न्यूरोस्पोरा एक्सटेंसिवली बायोकेमिकल एंड जेनेटिक स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है, इसीलिए हम इसे ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम या ड्रोसोफिला ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। अब आज तुम्हारा बर्थडे है, बर्थडे के दिन तुम केक काटोगे तो लैब वाले तुम्हें केक कटवा रहे, केक उन्होंने क्या यूज़ करके बनाया होगा? यीस्ट। इसी केक से ब्रेड बनती है, इसी यीस्ट से ब्रेड बनती है और इसी से वाइन बनती है। अच्छा, अब तुम लैब में काम कर रहे हो ना, सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, ये कचौड़ी समोसे नहीं खाते, इनको तुम कुछ अलग ही माल मंगा के दोगे। भाई लैब में काम कर रहे हैं ना, तो तुमने इन्हें मंगा के दिए एडिबल फंजाई, मॉरल्स एंड ट्रफल। याद करो तुम एक टाइप का पेस्ट्री भी खाते हो ट्रफल, तो याद रखो मॉरल्स एंड ट्रफल जो कि काफ़ी एडिबल और डिलीशियस होते हैं, ये तुम इन लैब वालों को खिलाओगे। तो ट्रिक क्या याद रखनी है? लैब सैक लैब, जिसमें एसी है, तुम न्यूरोस्पोरा एंड पेनिसिलियम पे काम कर रहे हो, तुम्हारा आज बर्थडे है तो यीस्ट से बना हुआ केक आया है, एंड तुमने उन्हें पार्टी में मॉरल्स एंड ट्रफल्स खिलाए। आई होप तुम्हें ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।